नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है लंदन टू कैसलकॉम वाया चिपनम। तो ये है, हम चिपनम में उतर चुके हैं, बस स्टॉप पे आ चुके हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से बस लेंगे जो हमें लेके जाएगी कैसलकॉम। वो जो लोकल बस होगी वो हम दिखाएंगे बाद में आपको। वो शायद 95 है कुछ है, हमें उसको लेनी है। अब आप आगे थोड़ा देखो चिपनम का। तो अब हम लोग यहाँ से वॉक करते करते, थोड़ा हमें कुछ खाना पीना है तो हम थोड़ा वॉक करते करते आसपास का नज़ारा देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबने कॉफ़ी पी, थोड़ा बहुत कुछ खाने का लिया, फिर हम इसके बाद थोड़ा आगे निकले। यहाँ से हमें ये 95A बस नंबर हमें लेके जाएगी चिपनम से कैसलकॉम। आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं, कितने भीड़ है यहाँ पे। और ये बस की जर्नी होगी हमारी लगभग 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम कैसलकॉम में एंट्री कर जाएंगे। आप देख सकते हैं व्यू और फिर देखना कितना। और माना जाता है कि यूके का जो सबसे सुंदर, जो सबसे प्यारा प्रिटी विलेज है वो है कैसलकॉम।
तो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे कैसल कॉम के चर्च में, जो काफ़ी बड़ा है, सुंदर है। आप देखना, ये है सेमेट्री है यहाँ की। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, काफ़ी अच्छा चर्च है, काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी सुंदर है। अब देखना, ये आप देख सकते हैं चर्च के अंदर काफ़ी पुरानी बुक्स भी हैं, जो मुझे पता नहीं है क्या नाम है। बाकी ये देखो, स्टैचू है एक। बाकी हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना कौन पढ़े, मैंने तो इतना पढ़ा नहीं। हमने देखा, काफ़ी सुंदर था, अच्छा लगा। आप ये देख सकते हो कितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ भी सकते हो, बहुत कुछ है। हमने नहीं पढ़ा इतना, मैं निकल गया आगे थोड़ा, क्योंकि काफ़ी इतना टाइम नहीं था हमारे पास। फिर हम इधर थोड़ा, ये देखो, ये यहाँ पे कुछ सोल्जर्स हैं, पुराने लोग, जो पुराने मतलब 1800 के ये थे ये लोग। फिर इधर ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये क्लोक है, बहुत पुरानी क्लोक है। हम इसमें से 20 पैनी डालते हैं, तो इसके बाद इस क्लोक में एक लाइटनिंग होती है। उस टाइम पे हमारे पास किसी के पास थे नहीं, पर कुछ लोगों ने किया था, तब हमने देखा था। मैं क्लिप नहीं बना पाया उस टाइम की। ये सिंबल चर्च का, ये एलिजाबेथ की कुछ मतलब कि उसके बचपन, उनके बचपन से लेके एंड तक की डेथ हुई थी उनकी, तब तक की सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में सब लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ से निकलने वाले थे, तो यहाँ पे साइड में मतलब कि आप सामने देख सकते हो, तो वहाँ पे कुछ रखा, मतलब कुछ चीज़ें थी जो हम घर पे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते, अपने श्रद्धा अनुसार जितना रखना चाहें हम रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अब चर्च से निकल गए हैं। उसके बाद हमने, हाँ, किसी को, कुछ लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे एक होटल है अच्छा, जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो हम उसकी तरफ ही अभी जा रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि हम सब लोगों को काफ़ी भूख लगी हुई है, सुबह के निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देखना कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे एक, ये एक विशिंग वेल है, यहाँ पे कुछ भी अपने अपने मन से डालो तो बोला जाता है कि यहाँ पे आप जो भी मांगते हो वो पूरा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे, हमने कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे हमने लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। फिर हम लोग सोचे चलो कैसल कॉम के जहाँ
एंड सीमा है वहाँ तक थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे वॉक करते हुए आए, तो ये कैसलकोम का पूरा एंड था। फिर यहाँ से हम लोग वापस रिटर्न निकले। उसके बाद हमारी रात को थोड़ी लेट बस थी, तो हम लोगों ने 2-3 घंटे वेट भी किया, थोड़ा इंतजार किया बस का। ये हमें लंदन लेके जाएगी और हमारी जर्नी लगभग 2 घंटे की जर्नी है हमारी। 2 घंटे में हम लंदन पहुंचेंगे। ये रात का चिपनम का व्यू है। फिर हम अब लंदन में एंट्री कर चुके हैं। ये आप देख सकते हो लंदन का रात का व्यू कितना अच्छा, कितना प्रिटी, कितना सुंदर है। और ये आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आए, ये डे ट्रिप लंदन टू कैसलकोम। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए, वीडियो वायरल हो थोड़ा बहुत, कोशिश करना। बाकी कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, जल्द मिलते हैं।